हरियाणा प्रदेश की सरकार लगातार किसान विरोधी चेहरा उनका उजागर होता है। जब किसान दिल्ली आंदोलन के लिए जा रहे तो आपने देखा कि किस प्रकार से उन्हें रोका गया, उन पर लाठियां बरसाई गई, 700 किसानों ने उसमें अपनी शहादत दी। और अब शंभू बॉर्डर पे किसानों पे लाठियां बरसाई गई, किसान एक की मौत हो गई, उस पर दुख प्रकट करने की बजाय जिन लोगों ने उन्हें रोकने का काम किया, जिन लोगों ने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े, जिन लोगों ने उन पर लाठियां बरसाई, आज उनको सरकार पुरस्कारित करने का काम कर रही है। बहुत ही निंदनीय है। आज हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी ख़राब है कि रोज़ाना हत्याएं हो रही हैं, रोज़ाना आपूर्ति मांगी जा रही हैं, बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज ये कर कह देते कि इनको जो पुलिस कप्तान रोकेगा उसको प्रसारित किया जाएगा तो कुछ दस्ता कि प्रदेश की सुरक्षा की दृष्टि से ये पुरस्कारित कर रहे हैं, परंतु अपने ही देश और प्रदेश के सरकारों को लाठियां बरसाने वाले, उनको बैरिकेडिंग लगाकर रोकने वाले को पुरस्कारित करना ये निंदनीय है।